बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नबी उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को सिंपली हम मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। लीनियर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज वन डायमेंशनल और ये स्ट्रेट लाइन में होता है। अब लीनियर मोमेंटम है क्या चीज़? वॉट इज लीनियर मोमेंटम और वॉट इज मोमेंटम? द क्वान्टिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। क्या डेफिनेशन आ गई? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। और करके आप इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? वो डेफिनेशन, ये है फिजिकल डेफिनेशन। अब मैं आज आपको थोड़ा ये बताऊंगा कि फिजिकल और मैथमेटिकल क्या होता है। बहरहाल पहले हम ये देख लें द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी और द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब हुआ क्या है, देखिए पहले मैथमेटिकल और फिजिकल ये समझ लीजिए। अक्सर बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं फिजिक्स से और फिजिक्स को ठीक से नहीं समझ पाते और फिजिक्स से बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि फिजिक्स आखिर है क्या मुसीबत। फिजिक्स का प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स, आप ये मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है? अगर ये मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है तो आप ये देखिए कि हाथ के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला हिस्सा है। अगर ऊपर वाला हिस्सा फिजिक्स है तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो हथेली है, पाम है, ये क्या है? ये मैथ्स है। अगर ये सपोर्ट नीचे मजबूत है तो फिर फिजिक्स ऐसे भागेगी, ऐसे करके उड़ेगी फिजिक्स। लेकिन अगर ये नीचे से टायर नहीं है इस गाड़ी के, मैथ्स वीक है बिल्कुल, आपका मैथ्स का आपको पता ही नहीं है कोई, तो फिर क्या होगा? ये गाड़ी वहीं वहीं के वहीं रींगती रहेगी, आगे बढ़ना इसके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए आपने मैथ्स पर भी तवज्जो देनी है फिजिक्स के साथ साथ। और मैथ्स के जिस हिस्से पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है, इस छोटे लेवल पर आपने देनी है अलजेब्रा पर। बड़े लेवल्स पर आप आ जाएंगे तो फिर आपको डेरिवेशंस पर, इंटीग्रेशंस पर, मैट्राइसेस पर, वेक्टर्स पर, इन सब को आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड देन फर्दर आप मूव करेंगे तो फिर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारी चीजें आपके पास आती चली जाएंगी। लेकिन बहरहाल जिसको मैथ्स अच्छा नहीं आता उसके लिए फिजिक्स को अच्छा समझना थोड़ा सा मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को वही चीजें सिखाएं जो उनके लिए कारआमद हैं, ताकि वो कम काम करें और ज्यादा अच्छा आउटपुट हासिल कर सकें। तो मैंने आपसे कहा, जब मैंने दो डेफिनेशंस लिखी, एक मैंने कहा कि है फिजिकल डेफिनेशन और दूसरी है मैथमेटिकल। तो फिजिकल का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। और मैथ्स क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ये मैथमेटिकल है तो इसका मतलब इक्वेशन आपकी यहीं से निकलेगी। वो इक्वेशन क्या होगी कि मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। पी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट है किसका? मास का और वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो आप यहां एक बात लिख सकते हो कि लीनियर मोमेंटम और सिंपली मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, स्मॉल पी विद वेक्टर साइन। यहां तक तो चीजें हमें समझ आ रही हैं। और हमने यह भी लिख दिया कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डन हो गया। ठीक है जी। अब आखिर है क्या? डेफिनेशन तो लिख ली, लेकिन है क्या चीज मोमेंटम? तो मैंने ये आपसे कहा कि प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। अब हम आते हैं एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि क्या चीज है। आपकी तरफ एक बॉल आ रही है तेजी से, किसी बैट्समैन ने हिट किया, आप बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने बॉल को रोकना है। और दूसरी तरफ से आपकी तरफ जो है वो कोई फुटबॉल आ रही है, किसी ने किक मारी है और उसको भी आपने रोकना है। तो अब मुझे बताएं कि क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल को रोकना ज्यादा आसान होगा या फुटबॉल को रोकना ज्यादा आसान होगा अगर दोनों की स्पीड एक जैसी है? यकीनन क्रिकेट बॉल को रोकना ज्यादा आसान होगा और फुटबॉल को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? दोनों की वेलोसिटी तो एक जैसी है, लेकिन फर्क किस चीज का है? मास का। टेनिस बॉल का मास कम होगा
और जो फुटबॉल है उसका मास ज्यादा होगा। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये मैं आपकी तरफ फेंकूं कैप सिर्फ इसका, और दूसरी सूरत में पूरा मार्कर आपकी तरफ फेंकूं और दोनों की रफ्तार एक ही जैसी हो, दोनों की वेलोसिटी एक ही जैसी हो, तो मुझे बताएं जरा आपके लिए किसको रोकना आसान है, इस कैप को या इस पूरे मार्कर को? यकीनन आपका जवाब होगा कि कैप को। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। तो अगर वो ऐसा है तो इसका मतलब है कि सेम वेलोसिटी के साथ अगर मास फर्क हो गया तो जो मोशन की मिकदार है, जो उस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो डिफरेंट है। दिस इज नोन एज मोमेंटम, दिस इज नोन एज मोमेंटम। अब इसकी हम दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं। अगर तो मेरी दोनों चीजें जो मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं वो एक ही जैसी हैं, यानी ये दो कैप्स मैं आपकी तरफ फेंकता हूं, ये मार्कर्स मैंने हटा दिए, ये दो कैप हैं, एक ब्लैक और एक रेड, ये दोनों मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं और दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि दोनों का मास इस दफा सेम है, अब की दफा मैं दोनों की वेलोसिटी को सेम नहीं करने वाला, इसको मैं आहिस्ता से आपकी तरफ फेंकता हूं, इसको मैं जोर से आपकी तरफ फेंकता हूं। तो मुझे बताएं किसको आप आसानी से रोक सकते हैं, जिसको आसानी से आहिस्ता फेंका गया या जिसको तेज फेंका गया? यकीनन उसको आप आसानी से रोक सकते हैं जिसको आहिस्ता फेंका गया। इसका मतलब है कि जब वो आहिस्ता चला, मास दोनों का एक जैसा था, जिसकी वेलोसिटी कम उसका मोमेंटम कम, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। इसका मतलब कि ये क्या है, फिजिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, जो किसकी वजह से आती है, प्रोडक्ट की वजह से आती है। किस किस की प्रोडक्ट? मास और वेलोसिटी की। ठीक हो गया जी। तो मोमेंटम जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिनोटेड बाय पी हो गया। इसकी एग्जांपल्स भी हमने ले ली। अब इसकी एग्जांपल्स लेने के बाद अगर इसको हम एक तस्वीर की शक्ल में भी देख लेते हैं कि अगर ये बॉल है, ये चलती भी जा रही है आगे, तो इस बॉल के पास क्या होगा, इसकी कोई वेलोसिटी होगी और इसका कोई मास होगा, तो उसी से आप इसका मोमेंटम कैलकुलेट करोगे एंड दैट इज पी इक्वल्स टू एम वी। अब इन्हीं को जब हम नॉर्मल जगह पर, नॉर्मल लाइफ के अंदर इन मिसालों को लेकर आते हैं, नॉर्मल लाइफ की मिसालों से सोचते हैं कि क्या होता है, कहां पे है मोमेंटम। अगर हम एक मिसाल लेते हैं डेली लाइफ से कि तीन चीजें हमारे पास हैं जो आ रही हैं, एक ट्रक है, एक कार है और एक बाइक है, और अचानक से सिग्नल जो है वो सामने रेड हो जाता है, तो अब किसके लिए रुकना ज्यादा आसान है आपके ख्याल में, अगर तीनों की वेलोसिटी एक जैसी हो, क्या ट्रक के लिए, कार के लिए या बाइक के लिए? आपका जवाब क्या है? आपका जवाब यह है कि बाइक के लिए रुकना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, तो वेलोसिटी क्योंकि तीनों की एक जैसी है, तो कम वाली मास वाली चीज के अंदर मोमेंटम कम होगा, ज्यादा मास वाली चीज के अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा। तो सबसे आसानी से बाइक रुकेगी, उससे थोड़ा मुश्किल से कार रुकेगी, और ट्रक के लिए उसी रफ्तार से अचानक से रुकना ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर इनके साथ कोई ट्रेन भी खड़ी हो तो फिर ट्रेन जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल से रुकेगी। ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया मोमेंटम के बारे में, सारी जो भी बातें थी, जो जो नेचुरल डेली लाइफ के अंदर चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनके बारे में भी। अच्छा, अब इसके और भी ज्यादा आसान मिसाल की तरफ चले जाते हैं ना। ये जरूरी है कि आप ये मिसालें लें ताकि आपको समझ आ जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप खुद हैं, आप खुद जरा मुझे बताएं कि आप जब चलते हैं, आप भाग रहे हैं और ये आप चल रहे हैं, भागते भागते आपको रुकना ज्यादा आसान है या चलते हुए रुकना ज्यादा आसान है? जब आप भाग रहे हैं और आपसे कहा जाए अचानक रुक जाओ, और आप चल रहे हैं आपसे कहा जाए रुक जाओ, तो क्या होगा? जो चल रहा है वो आसानी से रुक जाएगा जल्दी, और जो भाग रहा है उसको एकदम जरा मुश्किल होगी रुकने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भाग रहा है, मास तो वो दोनों सूरतों में वो एक ही बंदा है, मास तो उसका एक ही जैसा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी भागते हुए ज्यादा है और चलते हुए कम है। इसलिए भागते हुए उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी मोमेंटम ज्यादा है और चलते हुए उसमें मोमेंटम कम है। तो ये सारी मिसालें हैं मोमेंटम की। आई होप कि आपको मोमेंटम समझ आ गया है। अब हम चलते हैं इसके यूनिट की तरफ। इसके यूनिट के लिए थोड़ी सी हमें एक मैथमेटिकल छोटा सा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लिखूं पी इक्वल्स टू एम वी जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको यूनिट मैंने निकालना है। आपको पता है मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है जी किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये इससे मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी हमारे पास ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूं किससे? सेकंड से। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैथमेटिकली
आप कोई भी चीज डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दें किसी एक्सप्रेशन में, तो फिर उसकी वर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा और आंसर वन आएगा। वन जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये सब गायब हो जाएगा, ये वापस वही का वही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से इसके अंदर क्या लिख दिया जी, सेकेंड ओवर सेकेंड, यानी मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सेकेंड से। ऐसा मैंने क्यों किया वो भी आपके सामने आ जाएगा। ये हो गया पी। इस सेकेंड को मैंने क्या किया, आपके पास ये जो ये वाला है नीचे वाला, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये बन गया केजी मीटर पर सेकेंड इनटू ये वाला सेकेंड, और ये ऊपर जाएगा तो ये होगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये अब बन गया है क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। आपको अच्छी तरह पता है कि ये किसका यूनिट है, ये है बराबर न्यूटन के, तो हम ये जानते हैं कि ये न्यूटन है, तो इसका मतलब ये हो गया न्यूटन सेकेंड। इसको अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड। थैंक यू।